हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कोडेड इनएक्विलिटीज़ है उसकी जो नेक्स्ट टाइप है, या कह सकते हैं जो आइदर ओर का केस जो रहता है उसको। बहुत आसान सा है, आप देखते ही देखते इसको समझ जाएंगे कि आइदर ओर का हम कंक्लूजन निकालते हैं, आइदर ओर वाला। ठीक है, स्टेटमेंट जो गिवन है उसको बाद में देखना रहता है, आपका काम क्या है, आप सीधा कंक्लूजन पर आते हैं। हम कंक्लूजन पे आते हैं, हमने कंक्लूजन में देखा कि S ग्रेटर देन W, तो S और W के बीच में रिलेशन फाइंड करना है हमको इस स्टेटमेंट से। और ये स्टेटमेंट हमारी कहती है कि S बराबर है T के, T ग्रेटर देन U, U ग्रेटर देन इक्वल टू W। आए समझ? अब मैंने आपको बताया सिंपल सा फंडा है, नंबर मान के ले लेते हैं। हमने मान लो ये 6 ले लिया, अगर मान लो ये 6 तो ये भी कितना होगा हमारा, 6 है। ये क्या कह रहा है, इक्वल टू के लिए देखा जाए तो ये भी 6 होगा, लेकिन 30 से बड़ा है तो डेफिनेटली ये 5 भी हो सकता है। भाई 5 4 3 2 1 बड़ा है, ठीक है, ये 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर इक्वल टू ही मानते तो 6 है, अगर ये से छोटा है तो 5 हो सकता है। अब ये जो बराबर वाला कह रहा है कि ये 6 और 5 तो है ही, क्योंकि ये और इनके बीच में जो समानता बराबर वाली है वो सिर्फ 6 और 5 से बनती है, लेकिन यू इस टी कंपेरिजन ये से बड़ा है, तो बड़ा है तो एक नंबर और मान लेते, 4 3 2 1 कोई तो हो सकता है। अब हम अपना आंसर चेक करते हैं कि जो S है ना, ये W है, इनके बीच में अगर 6 और 6 देखें तो वो दोनों क्या आते हैं, बराबर। ठीक है, लेकिन कुछ और भी आता है, 6 की कंपैरिजन इससे क्या आती है, 5 और 4 से करें तो यहाँ फिट बैठता है कि S ग्रेटर देन W। जब हमारे पास ना ये दो ऑप्शन आते हैं, मतलब एक में ही दो लग रहा है, दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, तो इस केस में लगता है आपका आइदर वन कंक्लूजन फॉलो। आप देख रहे हो ना, मतलब ये कह रहा है कि एस बड़ा होना चाहिए, अगर इन नंबरों को हम चेक करते हैं तो डेफिनेटली एस बड़ा है। ठीक है, अगर नहीं देखते हैं तो एस बराबर भी है, इसीलिए आइदर का लगाया। ठीक है, हम मतलब दावे के साथ नहीं कह सकते, या तो है या नहीं है। ठीक, नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है कि W की कंपैरिजन T के साथ है। आपको मैं एक बात बता दूं, यहां S ग्रेटर देन W है तो नेक्स्ट वाला S या तो W ही होगा, बराबर हो, इक्वल टू, या ग्रेटर देन इक्वल टू, या लेस देन इक्वल टू। ये सबसे अच्छा तरीका है ये पहचानने के लिए कि क्वेश्चन आइदर और के केस में जाता है या नहीं जाता है। तो उस केस में ये दोनों जो हमारे अल्फाबेट हैं वो सेम रहेंगे, लेकिन अब देख रहे हो ना, यहाँ ये क्या कह रहा, टी है। अगर टी की जगह W के साथ S होता तो काम चल जाता, आए समझ? लेकिन आप देख रहे हो ना, S और T दोनों बराबर हैं, आपके सामने लिखा W इक्वल टू T, लेकिन ये भी तो लिखा T इक्वल टू S, तो W किसके बराबर है, S के बराबर भी है। अब W और S के बीच में हम जो समानता चेक करते हैं तो वो ये भी क्लियर निकल के आ रही है कि हाँ, ये S के बराबर है, 6 बराबर 6 है, तो दोनों बराबर भी हैं। और अगर 5 और 4 के साथ कंपैरिजन हम करते हैं तो हमारा S W से बड़ा है, तो आइदर वन और आइदर टू कंक्लूजन हमारे क्या होंगे, इसमें फॉलो होंगे। आए समझ? डेफिनेटली ये समझ में आ गया होगा कि होता क्या है। एक और क्वेश्चन देखिए, तो बचा हुआ अगर थोड़ा बहुत कुछ मन में शंका वो भी निकल जाएगी। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन है जो आइदर और से रिलेटेड ही होगा। और मैंने बोला था कि सबसे पहले ना हम ऑप्शन में जो कंक्लूजन चेक कर लेंगे, अगर दो हमारे सेम नंबर है, सेम अल्फाबेट हैं, तो डेफिनेटली हमारा आइदर और का केस बनेगा। और यहाँ डी और ई के बीच में रिलेशन है तो ये आइदर और वाला केस तो बनना ही है, इन दो के बीच में है तो कम से कम। तो स्टेटमेंट लेते हैं हम, डी ग्रेटर देन ई, कंक्लूजन लिया, और किस स्टेटमेंट में डी और ई मिलेगा वो स्टेटमेंट चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम D को ले लेते हैं, D ग्रेटर देन S, हमें E सबसे लास्ट में, जो किसके साथ है हमारा, E J के साथ है, तो ऐसा रिलेशन ढूंढो जैसे S बराबर है J के, क्योंकि J कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू E। आए समझ? तो नंबर वाला सिस्टम चेक करते हैं, ये 6, ये बड़ा और इक्वल टू, अगर इक्वल टू है तो 6, अगर इससे बड़ा है तो मे बी ये 5 हो सकता है, ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये 6 और 5 हो सकते हैं। अब इस केस में ये कह रहा है कि ई एक बार तो बराबर है, मतलब 6 और 5 है, दूसरे केस में जे बड़ा है ई से, तो हो सकता है 4 3 2 1 कुछ भी हो सकता है। अब देख रहे हो ना, तो 6
और छः अगर देखा जाए डी और एस के बीच में बराबर कब है, अगर हम दोनों नंबरों को छः मानते हैं। डी ग्रेटर देन ई कब है, जब हम इसको पाँच या चार कोई सा भी हो दोनों केस में वो क्या हो जाएगा हमारा, इनसे ग्रेटर देन हो जाएगा। आया ना समझ? तो इसलिए इनमें दोनों ही केस निकल के आ गएंगे, डी और एस बराबर कब है जब दोनों छः छः हैं, डी ग्रेटर देन ई कब है जब वो पाँच या चार में से, अगर ई पाँच या चार में से कुछ भी हो तो दोनों केस में डी हमारा बड़ा हो जाएगा, किससे, ई से। आप देख रहे हो ना, एक में बराबर पूछा है कि डी बराबर ई किस केस में, अगर जब ये इसको छः और छः मानते हैं तो ये भी मिल गया। लेकिन वो एक तो रहता है कि अगर डी बराबर ई ही निकल के आता है और उसके साथ और कोई कंक्लूजन नहीं निकलता तो हम उसको आइदर के केस में नहीं ले जाते, लेकिन यह बराबर भी है और छोटा भी है, इसलिए हम देखें तो आइदर वन और टू तो फॉलो कर ही रहे हैं। अब थर्ड वाला भी चेक करते हैं। थर्ड वाला कह रहा है कि ओ ग्रेटर देन एस तो अब ओ से स्टार्ट करते हैं। ओ अगर यहाँ ये वाई लेस देन ओ लेस देन इक्वल टू ओ है तो हम कह सकते हैं ओ ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, वाई लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू, डब्ल्यू का किसके साथ रिलेशन है, एक्स के साथ, डब्ल्यू ग्रेटर देन एक्स, एक्स ग्रेटर देन डी और डी ग्रेटर देन इक्वल टू एस। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी जुड़ेगी जो ओ और एस को एक साथ लाएगी। अब जैसे ही इसको चेक करने जाएंगे, ये क्या आपका ओपन माउथ इधर की साइड है, ये ओपन जरूर है लेकिन ये इधर की साइड, एक इधर की साइड तो एक इधर, मतलब जो बात बताई गई थी कि अपोजिट साइन जैसे ही आएंगे तो उस केस में कभी भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। तो आप ऑप्शन जो इसमें होगा वो ए बी सी डी किसी पर भी हो सकता है, तो कहेंगे कि ऑप्शन ए बी सी डी में जो भी रहेगा वो ये रहेगा, आइदर वन और टू कंक्लूजन आर फॉलो, ठीक है। अगर उसमें लगे थर्ड आर नॉट फॉलो तो वो भी देख लेंगे, नहीं इतना ही रहता है कि आइदर वन और टू कंक्लूजन आर फॉलोज। आई होप कि जो मेरी ये कोडेड इनक्लिटीज वीडियो है आपको समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। समझ आने के बाद आप अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और जो नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स इट।